हेलो एवरीवन एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है गाइस हम लोग आज प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और जितनी भी झारखंड सीएचओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइस टाइम बहुत ही कम है एंड जैसे इज रिम्स ऑल्सो सो प्लीज़ आप इसे ज़रूर एक बार करके जाइए एंड आप अपने uh, कितने भी आप प्रिपेयर कर लिए हो एक बार अपना नॉलेज असेसमेंट जरूर करिए इसके थ्रू सो so, हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन्वेंटेड थर्मोमीटर थर्मोमीटर का इन्वेंशन किसने किया था सेल्सियस फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन गैलीलियो गैलीली नेक्स्ट ऑप्शन लोड केल्विन नेक्स्ट ऑप्शन थोमस जे ब्लेनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी वन दैट इज गैलीलियो गैलीली सेकेंड क्वेश्चन इन एन एडल्ट स्केलेटल कंप्राइजेस अराउंड ऑप्शन ए फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑप्शन बी थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑप्शन सी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑप्शन डी टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट ओके सो करेक्ट आंसर डी वन दैट इज़ टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल बॉडी वेट नेक्स्ट क्वेश्चन विच बोन इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी ये क्वेश्चन जो है रिपीट भी होता है एंड इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन टिबिया नेक्स्ट ऑप्शन रेडियस नेक्स्ट फीमर एंड ह्यूमरस करेक्ट आंसर इज अ सीवन फीमर नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी रिपीटेड क्वेश्चन टोटल यहाँ पे बोन्स इन ह्यूमन बॉडी टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछा क्या है ऑप्शन ए टू नॉट सिक्स ऑप्शन बी टू हंड्रेड थर्टीन ऑप्शन सी टू नॉट नाइन एंड ऑप्शन डी थ्री हंड्रेड करेक्ट आंसर ए टू नॉट सिक्स टू हंड्रेड सिक्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट इक्विपमेंट यूज फॉर टेकिंग थर्मो टेकिंग टेम्परेचर इज ओके करेक्ट इक्विपमेंट पूछ रहा है टू टेकिंग अ टेम्परेचर टेम्परेचर लेने के लिए फर्स्ट ऑप्शन स्टेटेस्कोप सेकेंड ऑप्शन इज मैनोमीटर नेक्स्ट है थर्मोमीटर ईसीजी करेक्ट आंसर थर्ड वन थर्मोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग इनमें से आइडेंटिफाई करना है हिप बोन करेक्ट फर्स्ट ऑप्शन है फीमर नेक्स्ट है ह्यूमरस नेक्स्ट ऑप्शन इनोमिनेट एंड लास्ट वन साइक्रम गाइस इसमें करेंट आंसर सी वन दैट इज इनोमिनेट बोन इसके पहले ये पेल्विक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके आप जरूर सारे वीडियो एक बार जरूर देख लें आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल थर्मोमीटर इंडिकेट्स टेम्परेचर इन डिग्री फेरन हाइट फ्रॉम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्मोमीटर में टेम्परेचर uh, इसमें टेम्परेचर का जो डिग्री रहता है ठीक है इन फेर में वो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वो स्टार्टिंग से कितना रहता है इसमें एंड एंडिंग में वो कितना डिग्री वहाँ पे दर्शाया जाता है ठीक है सो तो ये है ये गाइस कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम में जब भी आता है फ़र्स्ट ऑप्शन यहाँ पे नाइन्टी फ़ोर टू वन जीरो हंड्रेड वन एक नेक्स्ट ऑप्शन है नाइन्टी फोर टू वन हंड्रेड टेन नेक्स्ट ऑप्शन नाइन्टी सिक्स टू वन हंड्रेड एट नेक्स्ट ऑप्शन है नाइन्टी सिक्स टू वन हंड्रेड टेन यहाँ पे करेक्ट आंसर ए होगा नाइन्टी फोर टू वन हंड्रेड एट नेक्स्ट क्वेश्चन द मसल्स कवर्स शोल्डर एंड बैक ऑफ द नेक इज मसल्स का नेम यहाँ पे पता पूछना पूछा गया है जो कि कवर करता है शोल्डर रीजन को एंड एज वेल एज बैक ऑफ दी नेक रीजन ओके फर्स्ट ऑप्शन ट्रैपिजियस नेक्स्ट ऑप्शन मैसेटर्स नेक्स्ट ऑप्शन बाइसेप्स एंड लास्ट वन टिम्पोरालिस करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ट्रैपिजियस नेक्स्ट क्वेश्चन शडन फॉल ऑफ टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अचानक टेम्परेचर जब गिर जाना है ठीक है फीवर फीवर में बहुत सारे टाइप्स गाइस देखते हैं फीवर का टाइप्स एक बार जरूर देख के जाएँ एग्जाम से पहले ठीक है सो so, इसमें अचानक अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर सडनली फॉल हो रहा है तो इस टर्म को क्या कहा जाएगा ठीक है क्राइसिस लाइसिस रिलैक्स अर क्विटिडियन ओके करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्राइसिस नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल ब्रीथ रेट uh of human being is यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल ब्रीथिंग ब्रीदिंग रेट यहाँ पे पूछ रहा है इसमें जितने भी दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है नॉर्मल है गाइस ये भी बहुत कंफ्यूजिंग होता है बिकॉज बहुत सारे बुक्स में अलग अलग इसमें दिया रहता है ठीक है सिस्टर नाइनसी फॉलो करे उसमें अलग दिखता है एंड दूसरा और किसी बुक में देखिए उसमें दूसरा दिखता है कॉम्पिटेटिव बुक में देखिए उसमें अलग दिखता है समझ में नहीं आता है कि इसमें आंसर क्या होगा और एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन में हम करके आ जाते हैं एंड जब और गाइस बाद में जब मार्क आता है सीट आता है जो आंसर सीट उसमें देखने से रॉन्ग हो जाता है तो ये सब एकदम से क्लियर होके रहना है ओके सो फर्स्ट ऑप्शन ट्वेल्व टू फिफ्टीन पर मिनट नेक्स्ट है ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी फाइव पर मिनट नेक्स्ट फिफ्टीन टू एटीन पर मिनट एंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर पर मिनट सो इस ऑप्शन में करेक्ट uh, आंसर होगा सी वन दैट इज़ फिफ्टीन टू एटीन पर मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज इलेक्ट्रोका कार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ स्टेथोस्कोप नेक्स्ट है रोटामीटर नेक्स्ट है इस्फैगमो मैनोमीटर करेक्ट आंसर डी वन दैट इज़ ए स्फैगमो मैनोमीटर बहुत सारे लोग इसे भी गलत कर देते हैं सो so, ये तो इजी क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट है वॉल्यूम रिमेनिंग इन द लंग्स एंड एयरवे फॉलोविंग ए मैक्सिमम एक्सपे एक्स टरी एफर्ट इज नोन एज ठीक है कंफ्यूजिंग है इंपॉर्टेंट भी है वॉल्यूम रिमेनिंग ठीक है एयर का जो भी वॉल्यूम है वो रिमेनिंग रह जाता अगर हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करें इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन ठीक है इंस्पायरेशन कर लिए देन एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या हो रहा है कि कुछ जो uh, एयर का वॉल्यूम है जो वो लंग्स में एंड एयरवेज में वो रह जा रहा है ठीक है एंड फॉलोइंग ए मैक्सिमम एक्स एक्सपिरेटरी एफर्ट से हम एक्सपायर कर रहे हैं एफर्ट लगा के दैट उस ये जो है टर्म क्या कहा जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम कहा जाता है टिंडल टोटल लंग्स कैपेसिटी है नेक्स्ट ऑप्शन वाइटल कैपेसिटी नेक्स्ट है टाइडल कैपेसिटी करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दैट इज ए रेसिडुअल वॉल्यूम नेक्स्ट क्वेश्चन पेशेंट हैज़ इंट्रावेनस फ्लूड इन्फ्यूजिंग इन दाइट आर्म वेन टेकिंग अ ब्लड प्रेशर ऑन दिस पेशेंट द नर्स उड ओके यहाँ पे है पेशेंट के पेशेंट के राइट right हैंड से क्या हो रहा है आई वी फ्लूड जो है वो इन्फ्यूजिंग हुआ है आई वी फ्लूड चल रहा है ठीक है एंड नर्स को क्या करना है ब्लड प्रेशर लेना है ठीक है उन दिस टाइम पे नर्स क्या करेगी वो क्या राइट right हैंड में ही ब्लड प्रेशर लेंगी या अदर हैंड में लेगी या क्या करेगी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन है टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म नेक्स्ट ऑप्शन टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट सॉरी फर्स्ट ऑप्शन है टेक द ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म नेक्स्ट ऑप्शन टेक द ब्लड प्रेशर इन द राइट आर्म नेक्स्ट ऑप्शन यूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल कफ नेक्स्ट ऑप्शन रिपोर्ट इन एबिलिटी टू टेक द ब्लड प्रेशर करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा फर्स्ट वन टेक द ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट आर्म नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट इज कॉल्ड एपिकल एंड रेडियल पल्स रेट का डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है फर्स्ट ऑप्शन ए है रिदमिक डेफिसिट ऑप्शन बी हार्ट एम्प्लीट्यूड ऑप्शन सी पल्स डेफिसिट ऑप्शन डी पल्स एम्पलीट्यूड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पल्स डेफिसिट नेक्स्ट क्वेश्चन कौट्रा इंडिकेशन ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स सॉरी कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी एब्डोमिनल मसल्स इन इज इम्पॉर्टेंट इन ठीक है uh, जब हम इंस्पायर करते हैं या फिर ब्रीदिंग uh, के टाइम पर ठीक है जब हम लोग ऑक्सीजन जब हम लोग ब्रीदिंग इन कर रहे हैं फिर एक्सेल कर रहे हैं ठीक है इंस्पायर कर रहे हैं पर एक्सपायर कर रहे हैं ठीक है तो किस टाइम पे दोनों में किस टाइम कौन सा टाइम होता है जिस टाइम पे ऑबडोमिनल मसल्स को जो है कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ठीक है इसमें ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है कि इस पर ऑब्डोमिनल मसल्स पे प्रैक्टिकली आप करके भी देख सकते हैं ठीक है सो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्मल एक्सपायरेशन नेक्स्ट ऑप्शन फोस्ट एक्सपायरेशन नेक्स्ट ऑप्शन नॉर्मल इंस्पायरेशन नेक्स्ट ऑप्शन है फोस्ट इंस्पायरेशन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा बी ऑप्शन नंबर बी फोस्ट एक्सपाइरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ ऑब्जॉर्बेशंस डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इज रेफर्ड एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ड्रग्स का uh, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं ठीक है मेडिसिन का ऑब्जॉर्बेशंस होना उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना एंड एक्सक्रीशन होना इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फार्मा का क्वेश्चन है ऑप्शन ए है को फार्माकोपिया नेक्स्ट ऑप्शन है फार्माकोकाइनेटिक्स नेक्स्ट ऑप्शन फार्माको डायनामिक्स नेक्स्ट ऑप्शन है फार्माको फार्माकोग्नोसी ओके सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर है बी वन देट इज फार्मो काइनेटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंजेक्शन ऑफ अ ड्रग डायरेक्टली इंटू जॉइंट इज टर्म एज ठीक ड्रग इंजेक्शन को डायरेक्टली कहां पे दिया जा रहा है जॉइंट में सो डायरेक्टली जॉइंट में जो इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है मेडिसिन इंजेक्ट किया जाता है सो इट इज टर्म्ड ऑप्शन ए इंट्रा आर्टिकुलर ऑप्शन बी इंट्रा आर्ट्रियल ऑप्शन सी इंट्रा ओसिकुलर एंड ऑप्शन डी इंट्रामेड्यूलरी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इंट्रा आर्टिकुलर नेक्स्ट क्वेश्चन फार्माकोडायनामिक इंक्लूड्स ऑप्शन ए फार्माको डायनामिक्स किसे इसमें क्या इंक्लूड होता है ऑप्शन ए है ड्रग एलिमिनेशन ऑप्शन बी ड्रग एक्सक्रीशन ऑप्शन सी ड्रग ऑब्जॉब ऑप्शन डी मेकानिज्म ऑफ एक्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मेकानिजम ऑफ एक्शन दैट इज़ ए फार्माको डायनामिक इसमें फार्माकोडाइनक में इंक्लूड रहता है मेकानिजम ऑफ एक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल आर लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट सारे लोकल रूट्स हैं किसके ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सेप्ट वन टोपिकल इंट्रा आर्टिकुलर, ओरल एंड लास्ट वन इंट्रावेजनल ओके यहाँ पे आ, ऑप्शन ए बी एंड डी टॉपिकल इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्रा वेजाइनल ओर आर दी लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बट ऑरल इज़ अ नॉट, ओके सो इट इज एक्सेप्ट में करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑरल। वीच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीफर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन एन एन कॉन्शियस इसमें से जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है किसके लिए अनकॉन्सियस पेशेंट के लिए सो कौंसर रूट जो है वो कि प्रीफर्ड किया जाना है ओके ऑप्शन ए इन्हालेशन रूट ऑप्शन बी इंटेर इंटेरल रूट ऑप्शन सी औरल रूट ऑप्शन डी पेरेंट पेरेंटेरल रूट करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पेरेंटेरल रूट नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ ड्रग्स दैट कैन बी इंजेक्टेड थ्रू द इंट्रामकुलर इंजेक्शन इज द मैक्सिमम वॉल्यूम पूछ रहा है हम किसका ड्रग्स का ये कितना एम होना चाहिए जो कि इंजेक्ट किया जाता है थ्रू अ इंट्रा आई एम इंजेक्शन जब दिया जाता है तब ड्रग्स का मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए ऑप्शन ए टू एम ऑप्शन बी फाइव एम ऑप्शन सी टेन एम ऑप्शन डी ट्वेंटी एम करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी दैट इज फाइव एमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू द स्पाइनल कैविटी इज टर्म्ड एज रूट विच रूट तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इनटू टू ड्रग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि इसमें स्पाइनल कैविटी में सो इस, so इस रूट को क्या uh, कहा जाता है ठीक है टर्म डाइज सो फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रा आर्टिकुलर ऑप्शन बी इंट्रा इंट्रामीडियोलरी ऑप्शन सी इंट्रा ओ ऑप्शन डी इंट्राथिकल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इंट्राथिकल थैंक यू गाइज थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर करिए अच्छे से एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम थैंक यू